अदम्य साहस। एक नवयुवक की गाथा है। वह विवाहित था, जवान था, खूबसूरत था। एक दिन आकस्मिक उसके दोनों हाथ क्रशर से कट गए। डॉक्टर बड़ा परिश्रम कर उसको बचा पाए, पर दोनों कटे हाथों की वजह से उसकी जिंदगी एक बोझ बन गई। दोनों हाथ कटकर कंधों के पास केवल ठूंठ के समान रह गए थे। वह उद्विग्न हो गया, किसी प्रकार के काम के लायक न रहा। बायों की रोटी के टुकड़ों पर पलने लगा। वह उसकी उपेक्षा पर भीख मंगों के समान उसके साथ व्यवहार करने लगे। उसने अपनी पत्नी को भी लातों से पीटना शुरू कर दिया। जिसे कल तक बहुत प्यार करता था, वो दुश्मन हो गई। एक दिन भाइयों ने उसका बड़ा अपमान किया, उसे दो दिनों तक खाना नहीं दिया। खूब जली कटी सुनाई, भाभियों ने भी खूब सुनाई। उसके मन को गहरी ठेस लगी। वह इतना निराश हो गया कि वह आत्महत्या करने पर उतर हो गया। जब वह रेलवे लाइन पर कटने के लिए लेट गया, तभी यकायक उसकी आत्मा ने ललकार दिया, अरे तू ये क्या कर रहा है, अरे तू ये क्या कर रहा है, अरे कुछ दिखा करके दिखा। वो उठ गया, घर की ओर चल पड़ा। पास एक पैसा नहीं, भूखा पेट वो एक वाले के पास गया। कमीशन पर उसका दूध बेचने की पेशकश की। उसने पूछा, ले कैसे जाओगे? उसने अपने कंधों के पास के ठूंठ दिखलाए। इन पर टान कर उसका साहस देकर ग्वाला मान गया। इस प्रकार ग्वाले ने दूध के डिब्बे लटका दिए। उनको लेकर 4 किलोमीटर दूर पैदल वह शहर में बेचने ले गया। उसका सारा दूध बिक गया। उसका उत्साह देखकर लोग भी उसके ग्राहक बन गए। वह दिन में 2 फेरे लगाने लगा। आमदनी बढ़ती गई। उसने पैसा जोड़ा और उसमें एक भैंस खरीद ली। अपनी भैंस का दूध बेचना शुरू किया। उसकी पत्नी सहायता करने लगी। वो दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाता गया। अच्छी खासी डेयरी बन गई। देखते देखते उसकी आमदनी बढ़ती गई। उसने अपना मकान बनवा लिया। वो सुख से रहने लगा। उसके भाइयों की हालत खराब हो गई। तब वह उनके परिवारों का भी पालन पोषण करने लगा। उसने अपना जीवन सुखमय बना लिया। बिना हाथों के वह एक सफल सुखी व्यक्ति बन गया। जब बिना हाथ वाला इतनी प्रगति कर सकता है, तो फिर आपके तो दोनों हाथ सही सलामत है। आप उससे ज्यादा ही प्रगति कर सकते हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसमें दोष किसका है? इस हथकटे ने अपने आप को पहचान लिया था। इस तरह वह आगे बढ़ गया। आपने अपनी गुप्त शक्तियों को नहीं पहचाना है। आप अपनी शक्तियों को न पहचान पाने के कारण जीवन के महान कार्य से वंचित रह जाते हैं। आपको क्या मालूम कि आपके भीतर गुणों, विशेषताओं व योग्यताओं का भंडार भरा पड़ा है। अपनी शक्ति और वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहकर आप कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। अंधकार का पर्दा हमारे सामने बराबर पड़ा रहता है। जब तक कोलंबस अमेरिका नहीं पहुंचा था, तब तक वहां के लोगों को इस बात का एहसास न था कि एक दुनिया और है। इस प्रकार जब तक आपके ज्ञान का कोलंबस आपके अंतःकरण के अमेरिका तक नहीं पहुंचता है, तब तक आपको इस बात का एहसास न होगा कि एक दुनिया और है। प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक इमर्सन का कहना है कि संसार में बहुत कम मनुष्य होते हैं जो मरने से पहले आत्म परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य संपन्न किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनको अपनी कार्य क्षमता का क्या नहीं हो पाता। सच्चाई है इमर्सन की इस बात में। प्रायः आदमी दूसरे को देखकर कहता है, काश उसमें भी उसके समान शक्ति होती तो वो मनुष्य भी
उस कार्य को कर सकता था। अपने इस बात को कहते हुए मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है कि जिस व्यक्ति की वह चर्चा कर रहा है, जिसकी शक्ति के लिए वह लालायित है, उससे कहीं अधिक शक्ति उसके पास स्वयं है। वास्तव में इस प्रकार का कथन उस व्यक्ति की हीनता का परिचायक है। वास्तविकता यह है कि हीनता की भावना ही मनुष्य को कुंठित करती है। जब आप स्वयं को किसी के समक्ष हीन समझते हैं, तो आपकी शक्तियां उस शक्ति से प्रबल होने के बावजूद खामोश होकर निष्क्रिय होकर बैठ जाती हैं। यही गलत भावना आपको छोटा बनाए रखती है।